उसे सूंघा। उसमें से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने मंत्री से कहा, मेरी तरफ से उस दुकानदार को इस उपहार के बदले 5 सोने के सिक्के प्रदान किए जाएं। अगली सुबह मंत्री फिर उसी आम आदमी का रूप धारण करके सोने के सिक्के सहित उस दुकानदार के पास जा पहुंचा और उसे ये बताते हुए कि तुम्हारी चंदन की लकड़ी महाराज को बहुत ज्यादा पसंद आई, उसे वो 5 सोने के सिक्के दे दिए। इसके बाद उस दुकानदार को खुद की सोच पर बहुत पछतावा होने लगा। उसने सोचा कि मैं राजा के बारे में कितनी गलत बातें सोचता था, पर राजा तो बड़े ही दयालु हैं। और यहीं पर गौतम बुद्ध ने इस कहानी को खत्म कर दिया। कहानी खत्म करने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, अब आप लोग मुझे बताइए कि कर्म क्या होता है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि हमारे शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम करते हैं वही हमारे कर्म हैं। हमारी जो भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद ये कहा, आपके विचार ही आपके कर्म हैं, क्योंकि आप जो विचार करते हैं असल जिंदगी में आप वही काम करते हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तो आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होता है और वो होता ही रहेगा।